उत्तराखंड में ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि बंदरों और लंगूरों की तादाद यहां घट रही है। यहां लंगूर और बंदर एक चौथाई घटकर 1.5 लाख रह गए हैं। उत्तराखंड में बंदर और लंगूर का आकलन 2015 में पिछली बार किया गया था। सुखद बात यह है कि बंदरों और लंगूरों की संख्या में 2015 की तुलना में अच्छी खासी गिरावट आई है। उत्तराखंड के लिए यह अच्छी खबर क्यों है, अब ये समझिए। दरअसल उत्तराखंड में 6 साल बाद बंदरों लंगूरों का आकलन किया गया। गुरुवार को वन विभाग के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इनके आंकड़े जारी किए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में यह आंकड़े सार्वजनिक करते हुए बताया कि उत्तराखंड में 1.5 लाख के आसपास बंदर और लंगूर हैं। इनमें 1,10,000 से ज्यादा बंदर और 37,735 लंगूर हैं। बंदरों की सबसे ज्यादा संख्या हरिद्वार में है। वन विभाग ने अपने सर्वे में हरिद्वार में 6,857 बंदर होना पाया। इसी तरह सबसे ज्यादा लंगूरों की बात की जाए तो रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में इनकी संख्या 3,219 के आसपास है। यही नहीं, पिथौरागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन के धारचूला, अस्कोट और मुनस्यारी रेंज में काला बंदर भी पाया गया। उत्तराखंड में बंदरों और लंगूरों का आकलन इससे पहले 2015 में किया गया था। इन आंकड़ों को इसलिए भी सुखद कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड में बंदर और लंगूर खेती किसानी के लिए बड़ी समस्या रहे हैं। गाँव से बड़े पैमाने पर जो पलायन हुआ उसके पीछे बंदरों का आतंक भी एक बड़ा कारण माना जाता है। बंदरों के झुंड खेतों में पहुंचकर फसलों को तहस नहस कर देते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, ऋषिकेश, मसूरी जैसे टूरिस्ट प्लेस पर बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।